शहनाज गिल ने अपनी आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से निकाले जाने पर दिया जवाब। शहनाज गिल ने पोस्ट शेयर करके लोगों की बोलती बंद कर दी। क्या है पूरी बात जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। अगर चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, शहनाज गिल अपनी मासूमियत और क्यूट पर्सनैलिटी की वजह से पहचानी जाती हैं। शहनाज गिल अपनी मासूमियत की वजह से पंजाब की कटरीना कैफ के नाम से पहचानी जाती हैं। शहनाज गिल सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में बहुत अहम किरदार अदा करने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि वो सलमान खान की फिल्म में सलमान खान के साथ काम करते हुए नजर आएंगी। लेकिन इस हवाले से एक और बहुत बड़ी खबर आई है कि आजकल बॉलीवुड से ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि सलमान खान ने शहनाज गिल को अपनी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से बाहर निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि जब शहनाज गिल को इस खबर का पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। शहनाज गिल ने पोस्ट करके लोगों की बोलती बंद कर दी और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सलमान खान का दिल जीत लिया है और मैं इस फिल्म में काम करूंगी। शहनाज गिल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि मुझे फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से कौन बाहर निकाल सकता है, ये सिर्फ एक अफवाह है, मुझे सलमान खान के साथ देखकर कुछ लोग मुझसे जेलिस हो रहे हैं, मुझे इन लोगों पर दुख होता है जिन्होंने ये खबर लगाकर मेरे इमेज को ख़राब करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि शहनाज गिल के बकौल वाकई ये एक अफवाह है या वाकई सलमान खान ने शहनाज गिल को अपनी फिल्म से आउट कर दिया है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। जुड़े रहें मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।